नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राजपट टीवी पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। डॉक्टर संजय निषाद बहराइच के प्रभारी मंत्री बनाए जाने पर निषाद पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह स्वागत किया गया। निषाद पार्टी के लोगों द्वारा घाघरा घाट पहुंचकर फूलमाला से स्वागत किया, जिसके बाद मुस्तफाबाद CSC जाकर डॉक्टर संजय निषाद के द्वारा निरीक्षण भी किया गया। तो वहीं पर लोगों द्वारा नारेबाजी करने के साथ अधीक्षक के खिलाफ शिकायती पत्र दिया गया। उन्होंने कहा इसकी विधिवत जांच करके कार्रवाई की जाएगी। वहां से कैसरगंज नई तहसील परिसर और सामुदायिक शौचालय और ठाकुर हुकुम सिंह CSC का भी निरीक्षण किया। तो वहीं पर हंसराज यादव ने कैसरगंज के डिहवा नौगया जाने वाली रोड पर कई वर्षों से जल भराव की शिकायत भी की। उन्होंने आश्वासन दिया कि इसकी जल्द से जल्द रोड बनाई जाएगी। इसके बाद कुंडा सर सरपंच भवन का भी निरीक्षण किया। जालौन में दबंगों के हौसले बुलंद है। जहां पुरानी रंजिश को लेकर बौखलाए दबंगों ने ग्राम प्रधान को बुलेरो से रोंदने का प्रयास किया। इस घटना में ग्राम प्रधान और उसका साथी बाल बाल बच गया है। तो वहीं पास ही लगे CCTV कैमरे में भी पूरी वारदात कैद हो गई। मामला उरे कोतवाली क्षेत्र के जमुना पैलेस विवाह घर का है, जहाँ अटरिया ग्राम प्रधान टीपू खटीर एक शादी समारोह में शामिल होने आया था। शादी में शामिल होकर वो जैसे ही गेस्ट हाउस से बाहर निकला, तभी घात लगाए बैठे बुलेरो सवार दबंगों ने गाड़ी उसकी ओर दौड़ा दी। इतना ही नहीं, दबंगों ने बुलेरो से ग्राम प्रधान को कुचलने का प्रयास किया, जिसमें वो बुरी तरीके से घायल हो गया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। तो वहीं विवाह घर में लगे CCTV कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई। पीड़ित ग्राम प्रधान ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। एक एक्सीडेंट का वीडियो सामने आया है, क्या है पूरा मामला? एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें एक बुलेरो है सफ़ेद रंग की और वो दो व्यक्तियों को पीछे से टक्कर मार रही है। तो इस संदर्भ में अभी तक कोई भी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। कुछ जानकारी मिली है मीडिया के माध्यम से, तो उस व्यक्ति से हम लोग संपर्क कर रहे हैं और उससे तहरीर लेकर जो भी आवश्यक उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये जाँच की जाएगी किसी ने जानबूझ के ये घटना की है या फिर ये एक एक्सीडेंट है, और जो भी इसमें दोषी है उसके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई इसमें करेंगे। खबर अलीगढ़ से है, जहां मामूली कासुनी को लेकर छात्रों के दो गुटों में सरेराह जमकर मारपीट हुई और लात घूंसे चले, और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो थाना रोरावर इलाके का बताया जा रहा है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।